नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम टेक्निकल एंड मैकेनिकल समान। दोस्तों, अगर आप इन्वर्टर रिपेयर करते हैं तो कभी कभी आपके साथ समस्या हो जाती है कि आप कौन सी बोर्ड लगाएं। अगर माइक्रोटेक की है तो माइक्रोटेक की लगाते हैं, जैसे कि ये, और सुकम की है तो सुकम की लगाते हैं ये। अगर इनके अलावा कोई और कंपनी आ जाती है तो आपके साथ समस्या ये होती है कि आप कौन सी लगाएं। आप देख सकते हैं कि दोनों यहाँ पर मौजूद है और आप ये भी सोचते हैं कि दोनों में से बेटर कौन है, जबकि दोनों के रेट सेम टू सेम है। कुछ 10-20 रुपए के अंतर होगी, नहीं तो अंतर कोई नहीं है रेट में। दोनों के रेट सेम टू सेम है। फिर आप ये देखते हैं कि सुकम वाले में एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर लगे हैं, इसका रेट ज़्यादा होना चाहिए उसके हिसाब से, जबकि इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें मात्र 2% लगे हैं। तो आप देख सकते हैं कि उसी के हिसाब से इसकी बजट जो है, मेकिंग बजट है, वो ज़्यादा होनी चाहिए और ज़्यादा होगी भी। दोनों में 4-4 मॉस्फेट है, आप चाहे तो दोनों में 1-1 मॉस्फेट बढ़ा सकते हैं अपने लोड के अनुसार। दोनों में सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों प्रोग्रामिंग बेस्ड है और दोनों बहुत ही बेहतरीन वर्क करती है। लेकिन अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो दोनों में कुछ प्लस है, कुछ माइनस है। देखिए, इसमें प्रीसेट है तो मौसम के अनुसार प्रीसेट जब चेंज होते हैं, प्रीसेट का वैल्यू चेंज होता है, तो इसके काम में, वर्क में चेंजिंग होगी होगी। और इसमें प्रीसेट नहीं है तो इसमें इसकी वर्किंग में चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर 400 से अबव वोल्टेज आता है तो आपका UPS मोड में हो जाएगा, 300 से ऊपर होगा तो। लेकिन 400 से ऊपर आता है तो भी UPS मोड में ही रहेगा, जबकि ये क्या कि 400 से ऊपर हो जाएगा तो ये गर्म होकर, ये ट्रांसफार्मर जो है DT ट्रांसफार्मर है, ख़राब हो सकती है। और ख़राब होने के बाद आपकी सिर्फ जो है आपकी जो मेंस पे नहीं चलेगी, सिर्फ इन्वर्टर मोड पे चलेगी, जबकि ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वोल्टेज कम होगी तो फिर ये आपकी इन्वर्टर मोड में आ जाएगी। अब दूसरी बात ये है कि इसमें और इसमें जो आपकी अंतर दिख सकते हैं, बाकी सामान में जो पार्ट्स है बिल्कुल सेम टू सेम है और दोनों के वर्क लगभग सेम टू सेम है। कुछ जैसे स्विचेस की, यानी इन्वर्टर स्विच की जो कनेक्शन है, दोनों की अलग होती है, यानी कि माइक्रोटेक की ऑन करने पर, स्विच ऑन करने पर ये ऑफ हो जाती है, जबकि ये स्विच ऑन करने पर ऑन हो जाती है। बाकी LED कनेक्शन सेम टू सेम है और फैन इत्यादि की जो भी व्यवस्था है, सब कुछ सेम टू सेम है। और दोनों किट में आप HRC इत्यादि बहुत कुछ है, सब कुछ लगे हुए हैं इसमें, और दोनों परफेक्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके हिसाब से कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन से आपके नज़र में अच्छा है। मेरे हिसाब से अगर आप माइक्रोटेक का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो रिपेयरिंग की जो वीडियो है YouTube पर सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा माइक्रोटेक की है, उसके बाद ही आपको सुकम की मिलेगी। तो अगर कोई भी फॉल्ट होता है भविष्य में तो आप इसको माइक्रोटेक की जो है आसानी से उस फॉल्ट को ढूंढकर सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसको अगर नहीं जानते हैं तो फिर आपको सॉल्व करने में थोड़ी सी परेशानी होगी। लेकिन मेरे चैनल पर सुकम संबंधी भी काफ़ी वीडियो है, इसलिए आपको ज़्यादा परेशानी होने की, टेंशन होने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप आँख बंद करके दोनों में से कोई ले सकते हैं और किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो मुझे दोनों में से माइक्रोटेक की बोर्ड अच्छी लगी, और आपकी कौन अच्छी लगती है ये कमेंट बॉक्स में कहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड में जो हैं उनको बताइएगा और शेयर कीजिएगा उनमें। और साथ में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह की वीडियो आपको देखने को हमेशा मिले। तो फिर इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।